बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू एम के अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने नॉट वेक्टर्स ऑफ बेसिस बी सप्लाइंड बेसिस फंक्शन डिस्कस किए थे। इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस द बी सप्लाइंड बेसिस फंक्शंस। बी सप्लाइंड की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि बी सप्लाइंड का जो ब्लेंडिंग फंक्शन होता है या बेसिस फंक्शन होता है वो हम इस रिकर्सिव फार्मूले से जनरेट करते हैं, डी बूर्स रिकर्सिव फार्मूले से, वेयर एन आई वन ऑफ टी इज इक्वल टू वन इफ एक्स आई नॉट वैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन एक्स आई एंड इट इज जीरो अदरवाइज। एंड एन आई के यानी के आईथ जिसका जो स्पोर्ट इंटरवल है वो आईथ नॉट से स्टार्ट हो। स्पोर्ट इंटरवल, स्पोर्ट फंक्शन किसे कहते हैं? स्पोर्ट इंटरवल कहते हैं फंक्शन का वो इंटरवल, डोमेन का वो इंटरवल फंक्शन की जहां पे फंक्शन नॉन जीरो रहता है। आप देखिए यहाँ अगर एन आई वन ऑफ टी की बात करें तो हमारे पास ये एक्स आई से एक्स आई प्लस वन तक वन रह रहा है, अदरवाइज इट्स जीरो। यानी कि इसका जो स्पोर्ट इंटरवल है वो एक्स आई से एक्स आई प्लस वन ओपन इंटरवल है, एक्स आई से क्लोज है जबकि एक्स आई प्लस वन से ओपन है, सेमी ओपन इंटरवल है ये। इसी तरह एन आई के का जो हमारा स्पोर्ट है वो आईथ नोड से स्टार्ट होता है और के डिग्री को ऑर्डर को शो करता है, यानी के ऑर्डर हमारा अगर के होता है तो डिग्री के माइनस वन होती है, एक लेस होती है ऑर्डर से। ओके, ये रिकर्सिव फार्मूला है। इसमें हम अगर केथ ऑर्डर का हमें बी सप्लाइंड फंक्शन जनरेट करना तो उसमें हमें के माइनस वन ऑर्डर का बी सप्लाइंड बेसिस फंक्शन रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम ये हमारा फॉर्मूला है तो इसमें हम k इज इक्वल टू टू लेके चलते हैं क्योंकि हमें k इज इक्वल टू वन के लिए तो नोन है कि वन होगा अगर एक्स आई से एक्स आई प्लस वन तक वन है और अगर जीरो होगा अदरवाइज। ओके, तो यहाँ पे हम k इज इक्वल टू टू लेके चलते हैं। जब हम इस फॉर्मूले में k की जगह टू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स बन जाएंगी इस तरह। और यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 माइनस वन की जगह 1, एक्स आई प्लस 2 माइनस वन की जगह प्लस 1 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे। तो अब आप देखिए एन आई टू ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस एक्स आई एन आई वन ऑफ टी और यहाँ पे हमें एन आई प्लस वन ऑफ टी रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से अपनी एन आई वन यानी के फर्स्ट ऑर्डर वाले बेसिस फंक्शन एन आई के लिए ये आ जाएगा। और जब हमने एन आई प्लस वन लेना है तो जहां जहां आई है फॉर्मूले में वहां हम आई प्लस वन लगा देंगे लाइक दिस। यहाँ पे सिर्फ था इंटरवल्स में तो यहाँ एक्स आई प्लस वन से एक्स आई प्लस टू यानी कि एन आई प्लस वन वन की हमारे जो स्पोर्ट इंटरवल है वो एक्स आई प्लस वन से एक्स आई प्लस टू तक है, अदरवाइज इट्स जीरो। ओके, अब आप देखिए जब हमारा जो इंटरवल है वो एक्स आई से एक्स आई प्लस वन रहेगा तो हमारा एन आई प्लस वन तो ये तो जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स आई प्लस वन से एक्स आई प्लस टू तक ओनली नॉन जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। सिर्फ इसमें हम यहाँ एन आई वन की जगह वन लगा देंगे। ओके, और जहां पे जब हम एक्स आई प्लस वन से एक्स आई प्लस टू जब t वेरी कर रहा है तो हमारा जो एन आई प्लस वन है वो वन हो जाएगा और ये एन आई वन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या टर्म्स बचेंगी? ये जो हमारे पास था इससे हमें ये मिला कि जब हमारा जो t है वो एक्स आई से एक्स आई प्लस वन है तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी, यहाँ एन आई वन ऑफ t की जगह वन आ जाएगा। और जब हमारा t x i प्लस वन से x i प्लस टू तक वेरी करेगा तो हमारे पास ये सेकेंड टर्म बचेगी, बाकी हमारा जो n i प्लस वन ऑफ वन है ये वन आ जाएगा। अदरवाइज बाकी तमाम इंटरवल्स पे तमाम t की वैल्यूज के लिए n i टू ऑफ t जीरो होगा। ओके, इसको जरा आप दोबारा से नोट कर लीजिए, एन आई टू ऑफ टी हमारा बराबर है टी माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई इफ एक्स आई इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन एक्स आई प्लस वन एंड एक्स एन आई ऑफ टी टू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस टू माइनस टी ओवर एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स आई प्लस वन इफ एक्स आई प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू टी
इज लेस देन एक्स आई प्लस टू, अदरवाइज इट्स जीरो. आप देखिए ये हमारे पास कुछ लीनियर ग्राफ बनेगा. ओके इसका हमारे पास लीनियर ग्राफ बनेगा, यानी कि दो इस तरह से लाइंस बनेंगी. ओके एक माउंटेन टाइप. ओके अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन को. यहाँ पे जगह अब हम के की जगह थ्री पुट कर देंगे लाइक दिस. जब हम इस सारे फॉर्मूले में के की जगह थ्री रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा. और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है. तो आप देखिए अब हमें यहाँ पे एन आई टू ऑफ टी और एन आई प्लस टू ऑफ टी एन आई प्लस वन टू ऑफ टी रिक्वायर्ड है. एन आई टू ऑफ टी तो हमने अभी अभी फाइंड किया है. और जब हम I की जगह I प्लस वन रिप्लेस कर देंगे पूरे फॉर्मूले में तो हमें एन आई प्लस वन टू ऑफ टी मिल जाएगा. तो ये एन आई थ्री ऑफ टी हमने फाइंड आउट करना है. इसमें हम एन आई टू ऑफ टी ये वाला ही यूज करेंगे. और एन आई प्लस वन टू ऑफ टी हमने कैसे बनाया कि जहां जहां फॉर्मूले में I था वहां I प्लस वन कर दिया. लाइक एक्स आई प्लस वन, इधर भी एक्स आई प्लस टू हो जाएगा, इधर एक्स आई प्लस वन हो जाएगा, इधर एक्स आई प्लस वन, इधर एक्स आई प्लस टू, इधर एक्स आई प्लस थ्री, एक्स आई प्लस थ्री, एक्स आई प्लस टू, इधर एक्स आई प्लस टू और इधर एक्स आई प्लस थ्री लाइक दिस. अब देखिए इसका स्पोर्ट इंटरवल क्या बन रहा है. एक्स आई प्लस वन से एक्स आई प्लस थ्री, इसका एक्स आई से लेके एक्स आई प्लस टू. ओके अब हम इस फॉर्मूले में जब रिप्लेस करेंगे तो नोट करिए जब हमारा जो t है वो एक्स आई से एक्स आई प्लस वन रहेगा तो हमारा एन आई प्लस वन टू ऑफ t तो जीरो है. ओके ये सिर्फ एक्स आई से प्लस वन से एक्स आई प्लस थ्री तक नॉन जीरो है. तो ये हमारा जीरो है. ओके सिर्फ पहली टर्म हमारी ये वाली बन जाएगी ये. और एन आई टू ऑफ t की जगह हम ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे. इसी तरह जब हम एक्स आई प्लस वन से एक्स आई प्लस टू तक टी को वेरी करेंगे तो हमारा जो एन आई टू ऑफ टी है वो ये है और एन आई प्लस टू ऑफ टी हमारा ये फर्स्ट वाला टर्म है. इधर हम इसको रिप्लेस कर देंगे दोनों टर्म्स को तो हमारे पास दो टर्म्स एज ए रिजल्टेंट बन जाएगी. जब हमारा टी एक्स आई प्लस टू से एक्स आई प्लस थ्री तक वेरी करेगा तो हमारे पास एन आई टू ऑफ टी तो हमारा जीरो है लेकिन एन आई प्लस वन टू ऑफ टी हमारा जीरो नहीं है बल्कि ये सेकेंड टर्म हमारी इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी और सिर्फ सेकेंड टर्म इस फॉर्मूले की यूज होगी, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी. ओके देखिए लाइक दिस जब एक्स आई से एक्स आई प्लस वन तक है तो हमारा पास ये टर्म्स आएंगी t माइनस एक्स आई एक्स आई प्लस टू माइनस एक्स आई इसकी फर्स्ट टर्म क्योंकि ये टर्म जीरो है एन आई प्लस टू एन आई प्लस वन टू टी तो यहाँ पे इसकी जगह हम एन आई टू पहली टर्म रिप्लेस कर देंगे एन आई प्लस एन आई टू ऑफ टी की जगह बाकी सारा सेम. ओके जब हमारा एक्स आई प्लस वन से एक्स आई प्लस टू है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों बनेंगी. फर्स्ट टर्म में एन आई टू ऑफ टी की जगह ये सेकेंड वाली टर्म और जो एन आई प्लस वन टू की जगह ये फर्स्ट वाली फंक्शन. ओके फिर हम एक्स आई प्लस टू से एक्स आई प्लस थ्री तक देखेंगे तो हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, सेकेंड टर्म बच जाएगी और एन आई प्लस वन टू की जगह हम ये सेकेंड फंक्शन रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज इट्स जीरो. ओके इसको भी आप देख लीजिए. इसी तरह जब हम फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर की बात करते हैं उसमें भी हम के की जगह फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर से के की जगह फोर और फाइव लगा के हम थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन और फोर्थ ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन और फिफ्थ ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन जनरेट कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट इट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच. लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन को फर्दर डिस्कस करेंगे. Thank you so much.